दिल्ली में बारिश के बाद एक बार फिर भीषण जाम भी देखने को मिला। सरायकाले खां रिंग रोड पर भीषण जाम लगने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़कों पर वाहन रेगते नजर आए। इलाके में करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। बारिश के बाद आए दिन जलभराव की स्थिति पैदा होती है, इससे भीषण जाम की समस्या खड़ी हो जाती है। अभी इस वक्त हम सरायकाले खां फ्लाईओवर पर है, जहां भीषण जाम की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। हम वही की आपको तस्वीरें दिखाएंगे और आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये सरायकाले खां का बनाया गया नवनिर्मित फ्लाईओवर है, जहां आपको जाम की भीषण समस्या दिखाई देगी। उसी की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम आपको बता दें, सुबह से ही झमाझम बारिश हुई थी, जिसके बाद यह जाम की जो समस्या है लोगों के सामने आई है और लगातार जो है लोग जाम से जूझते नजर आ रहे हैं और उनके वाहन सड़क पर रेंगते हुए आपको साफ तौर पर दिखाई देगा। हम आपको बता दें, सरायकाले खां से आश्रम की तरफ जाने वाला यह मार्ग है और इसी मार्ग पर लंबा भीषण जाम लोगों को मिल रहा है। वहीं यहाँ के जो राहगीर है उन्होंने बताया कि तकरीबन 2 किलोमीटर का भीषण लंबा जाम जो है कि यहाँ पर लगा हुआ है और लोगों को उसी जाम की समस्या से यहाँ पर आज जूझना पड़ रहा है। और हम आपको बता दें, जब भी दिल्ली में बारिश होता है और बारिश के बाद जो है सड़कों पर जलभराव देखने को मिलता है और जलभराव के साथ साथ सड़क पर जाम की समस्या से भी लोगों को जूझते हुए देखा गया है। उसी की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जाम लगा है और सरायकाले खां से लेकर आश्रम फ्लाईओवर तक भीषण जाम की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। हरिकिशोर साह, जी मीडिया, दिल्ली।